यहाँ पर हमने थोड़ा पैन में ऑयल लिया है, ऑयल गरम हो चुका है। यहाँ पर हम इसमें देंगे थोड़ा सा, बहुत थोड़ी सी लेंगे लहसुन और हरी मिर्च को भूनकर इसकी जो हमने चटनी बनाए हैं वो हाफ स्पून से भी कम लेंगे, इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब इधर यहाँ पर हम एक एक करके सब वेजेस डालेंगे। पहले मैं डालूंगी अनियन, आप इसमें अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। याद रहे पहले जितनी हार्ड वाली वेजिटेबल्स होती है ना पहले वो डालिए, जैसे मैंने अनियन डाली हो यहाँ पर मैं कैबेज डालूंगी। यहाँ पर हमने हल्का सा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा। अब यहाँ मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई ककड़ी, साथ ही में स्वीट कॉर्न्स के जो हमने निकाले हैं दाने वो ऐड करूँगी। नमक हमें भी डालना ही है, नमक डालते ही जैसे हम नमक डालेंगे तो ये सब्जी सब अपना पानी छोड़ देंगे, इसलिए नमक हमें लास्ट में डालना है। यहाँ पर अब हमें डालना है पोटैटो जो हमने बॉईल करके रखा है, यहाँ पर हम लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसे बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। यहाँ पर हम डालेंगे चाट मसाला, हाफ स्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, और 1 स्पून के करीब हम इसमें केचप ऐड करेंगे। ये सैंडविच की मेकिंग जो फीलिंग्स रहती है इसको अच्छे से हम बना के रख लें तो हफ्ता भर हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब हमें सैंडविच लग रहे हैं तब हम इसको फिल करेंगे ब्रेड में, इसे ग्रिल करके। याद रहे कि हमें आलू को बहुत मैश नहीं करना है, पीसेस में रखना है, नहीं तो वो बहुत ही चिपचिपा सा हो जाता है। या लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, यहाँ हम सॉल्ट ऐड करेंगे। मुझे कम लग रहा है मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। ये रेडी है हमारी सैंडविच की फिलिंग।